Good morning viewers, you are welcome in our water support channel. चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ ये पुराना आरओ सिस्टम का क्या हालचाल है। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे नए व्यूअर हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जनरली मैं वीडियो लाइक करने के संदर्भ में मैं दो चार लाइन गाने के टोन में मैं कुछ बोलता हूँ तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है और बहुत लोगों को ख़राब भी लगता है कि आप टाइम पास क्यों करते हैं गाना गाकर। जब राधा को कृष्ण मिल सकता है तो हमारे जैसे राधाओं का क्या है? ये हमारे जैसे राधाओं को भी कृष्ण मिल ही सकता है। आप लोग व्यूअर एज ए कृष्णा है और हम आपके राधा, ऐसा मानकर हम चलते हैं। एज ए सेंस मेल फीमेल या सेक्सुअल की भावना से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रेम भी कोई चीज़ होती है। प्यार, प्यार क्या है उस संदर्भ में यदि सोचा जाए तो आप लोगों का प्यार ही है जो मुझसे वीडियो बनवाता है और कुछ नहीं। और एक्चुअली मैं मेडिटेशन से रिलेशन रखता हूँ तो मुझे पता है कि जब संगीत से फूल खिल सकता है, गाय दूध दे सकती है, तो यदि मैं आपको वीडियो लाइक करने के लिए अगर गाने के टोन में मैं बोलूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या आप उससे प्रभावित होकर हमारा वीडियो लाइक नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे? यदि आप मेरे नए व्यूअर होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर हिट करेंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि संगीत में बहुत जादू होता है, इसलिए मैं संगीत के टोन में बोलता हूँ, वीडियो लाइक करना भूल नहीं जाना, व्यूअर मेरे यारा वादा निभाना, ओ मेरे व्यूअर जाना नहीं मुझे छोड़ के, दिल तोड़ के। देखिए ये जो अडॉप्टर है इसका क्या हाल हो गया है। ये अडॉप्टर के अंदर ट्रांसफार्मर गायब है, आखिर में ट्रांसफार्मर गया कहाँ? अब ये जादू है, यही तो देखना है। चैनल सब्सक्राइब करना भूल नहीं जाना, वीडियो लाइक करना भूल नहीं जाना, ओ मेरे व्यूअर जाना नहीं दिल तोड़ के मुझे छोड़ के, व्यूअर मेरे यारा। देखिए इसका क्या हाल हो गया है। ये जो आपका डायोड है ये हल्का सा काला काला रेड कलर का दिख रहा है, रेडिश कलर में चेंज हो गया है। यही डायोड है जब ये ओवरहीट होता है तो जिसके कारण ये अगर शॉर्ट कट जाता है तो इसके कारण भी जो ट्रांसफार्मर गर्म होता है, जनरली शॉर्ट करने के कारण। देख सकते हैं इधर वाला जो छोटा वाला जो आपका डायोड है वो सही अवस्था में है, इसको जनरली रेक्टिफायर भी बोलते हैं। और इसको कंडेंसर या कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसमें दो तरह का वायर लगा हुआ है, एक 24 वोल्ट डीसी के लिए है, बड़ा वाला कैपेसिटर, और ये छोटा वाला कैपेसिटर है आपका। बड़ा वाला कैपेसिटर 36 वोल्ट डीसी के लिए है, ये छोटा वाला कैपेसिटर आपका 24 वोल्ट डीसी के लिए लगाया हुआ है। उसी हिसाब से इसका रेक्टिफायर जिसको जनरली डायोड भी बोलते हैं वो भी ये बड़ा वाला कैपेसिटर में ये बड़े आकार का रेक्टिफायर लगा हुआ है और छोटे वाले कैपेसिटर में आपका छोटे आकार का इसमें डायोड लगा हुआ है।
रेक्टिफायर। तो ये तो एलोइस नहीं हुआ है, एलोइस कह रहे हैं इसको, ब्लैकिश या रेडिश। और ये इधर जला हुआ टाइप का कलर का हो गया है। इधर से भी यहाँ पर देख सकते हैं इसका एरिया ब्लैक हो गया है, ब्लैक कलर का दिख रहा है काफ़ी, मतलब एकदम डार्क रेड यानी ब्लैक टाइप का। तो ट्रांसफार्मर इसमें से जल गया। जला क्यों? ये जनरली जब आपका जो रेक्टिफायर जब शॉर्ट करेगा तो स्मेल आएगा, और इसके शॉर्ट करने से ट्रांसफार्मर हीट होना शुरू होगा। तो ये कहिए कि गलता नहीं है, टाइम लगता है, धीरे धीरे हीट होता है, होते होते इतना हीट हो जाता है कि इसके अंदर छेद हो जाता है और ट्रांसफार्मर नीचे गिर जाता है। तो जनरली मैं यही जानता हूँ कि ये जो आपका जो ये एडाप्टर होता है ना ट्रांसफार्मर वो मोड का, वो आरओ के, डोमेस्टिक आरओ के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि ये कवर के अंदर होता है, हीट भी होता है, तो उसको बाहर से एयर नहीं मिलता है, जिसके कारण जनरली हीट होकर के जल ही जाता है। देख सकते हैं इसमें पूरा होल हो चुका है, आर पार होल दिख रहा है, ये होल हो गया। और ये बॉडी का जो प्लेट है वो ख़राब हो गया। अब बताइए, और तब तक भी कस्टमर को पता नहीं चला, जब आरओ पूरी तरह जब बंद हो गया तब पता चला, जबकि स्मेल ज़रूर आया होगा। तो इस तरह से इतना बेदर्दी से आरओ सिस्टम का यूज नहीं करें। देखिए इसका कितना इसमें शाइनिंग है, ये जो प्लास्टिक यहाँ का जो गला, और ये इसमें गिरा हुआ था तो यहाँ पर छाप भी उग गया है। ये ऐसे जो यहाँ पर आ करके ये था, जब मैं उतारा देखा कि मैं टैंक के अंदर क्या जो है ये आवाज़ कर रहा है, तब जा करके मुझे पता चला कि इसका ट्रांसफार्मर जो है ना नीचे आ गया है टैंक के अंदर। क्योंकि इसमें पानी था इसलिए ये इसमें होल नहीं हुआ, नहीं तो इसमें भी होल हो जाता। तो ऐसा भी होता है, और मैं चाहूँगा कि जनरली एसएमपीएस ही बेटर रहेगा। ऐसे ऐसा नहीं है कि एसएमपीएस जलता नहीं है, एसएमपीएस भी जलता है, लेकिन इस ढंग से ओवरहीट होकर के कम से कम इसमें जो होल हो गया, कम से कम ये तो होल नहीं हो पाता है। जलता वो भी है, जनरली ब्लास्ट करता है, लेकिन ये जो स्थिति हुआ होल का, ये जो इसमें इसका जो नीचे वाला जो बॉडी है एडाप्टर का, इसमें होल हुआ, फिर ये वाले प्लेट में होल हुआ, और ये होल होकर के ये आ गया। तो इसको बचाने के लिए जब भी आरओ के अंदर से स्मेल आता है और ओवरहीट होता है, किसी तरह का धुआं टाइप का दिखता है, तो आपको आरओ बंद करना है। आप आरओ को इतना बेदर्दी से यूज करेंगे तो यही स्थिति होगा, नुकसान ही होगा, आप ही का नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं करें। देख सकते हैं ट्रांसफार्मर ओवरहीट हुआ, लेकिन ट्रांसफार्मर देखने में नहीं लगता है कि जला हुआ है। क्या स्थिति हो गया इसका, काफी बुरा स्थिति है। तो आज इतना ही, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इस तरह का जो भी घटना होता है उससे आप कुछ सीखें, और जनरली अडाप्टर का यूज नहीं करें, एसएमपीएस का यूज करें। देखिए ये सेम का अडाप्टर था, कोई एरो गैरो अडाप्टर नहीं था, इसमें सेम का अडाप्टर लगा हुआ था, ये भी गल चुका है, ये इस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारा इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।